हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो हम जा रहे हैं नर्मदापुरम और होशंगाबाद का न्यू नाम हो गया नर्मदापुरम। तो हम लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और ये देखो मेरे बच्चे बैठे हैं, ये तीनों मेरे बच्चे हैं और हम लोग जा रहे हैं नर्मदापुरम। और भैयू देखो विंडो के पास बैठा है और कितनी मस्ती की पूरी ट्रेन में इसने, वहां से बिल्कुल हटा नहीं हटा बिल्कुल भी। और ये देखो अब हम आ गए हैं होशंगाबाद के घाट पर। और ये देखो भैयू ये देखो तीनों नहा रहे हैं और ये भैयू बैठा है इधर। अबे हम नहा रहे हैं। तो देखो सुबह के 8 बजे हैं, हाँ 8 ही बज रहे होंगे और सुबह है तो ज्यादा भीड़ भी नहीं है। बाकी हम नहाकर फ्री हुए तो बहुत भीड़ हो गई थी। फिर 11-12 के बीच बहुत भीड़ हो जाती है। और ये देखो ट्रेन में ये नर्मदा जी का पुल है। ये नर्मदा जी इतनी सुंदर लग रही थी यहाँ से देखने में, विंडो से ली थी ये फोटो मैंने, वीडियो बहुत ही सुंदर दिख रही थी यहाँ से। तो भैया तो बिल्कुल ही नहीं हटा विंडो के पास से, देखो वहीं पे बैठा है और देख रहा है, देखो कैसे देख रहा है, हवा भी लग रही थी उसको। ये देखो ये है नर्मदा जी। तो नर्मदा जी में अपन नहाते हैं तो और ऐसे देखते हैं तो मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। ये देखो गौ माता भी आ गई हैं यहाँ पे, ऐसे देखते तो बिल्कुल नहीं दिखती पर यहाँ पे मछली बहुत सारी हैं छोटी छोटी। तो आप जब भी जाओ तो इनके लिए खाने के लिए ज़रूर कुछ लेके जाना। और ये जो दिए देख रहे हैं आप शाम के टाइम बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं दियों से आरती होती है माँ गंगा की, नर्मदा जी की। तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम यहाँ पर हमको उज्जैन जाना था इसलिए हम जल्दी निकल गए यहाँ से स्नान करके। और ये देखो बिल्कुल सुबह का टाइम है तो ज़्यादा बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो जल्दी जल्दी फटाफट स्नान कर लिया हमने और करके। ये देखो बच्चे इधर बैठे हैं और ये देखो इधर भी नहा रहे हैं। और ये देखो मैंने इनको मछलियों को फुली डाली तो मछली अपन ऐसे देखते हैं तो दिखती भी नहीं है, और मतलब अपन जब कुछ डालते हैं ना पानी में खाने के लिए तो फटाक से निकल आती हैं खाने के लिए। ये देखो मैंने फुली डाली तो वो फटाक से निकल आई। देखो जूम करके भी दिखाना, देखो जूम करके दिखाते हैं मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे, कुछ भी डालो कुछ भी खाने को डालो फट से निकल आती हैं। आप जैसे नारियल मरियल फोड़ो ना तो तोड़ के डालो फिर भी फट से निकल आती हैं, तो इनको ज़रूर कुछ डालना जब भी आप जाओ स्नान करने। और ये देखो बिल्कुल घाट एकदम खाली खाली लग रहा है अभी तो, क्योंकि अभी पब्लिक नहीं आई, सुबह 11-12 के बीच होती है भीड़। ये देखो और ये अम्मा जी पीछे बैठी हैं हमारे साथ आई थी। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।